नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेयर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। पहले ये हिना मेहंदी मैंने ली है, नूपुर के हिना मेहंदी मीडियम साइज़ पैकेट ली है। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। ये एक कप पानी में दो बड़े चम्मच चाय पत्ती मैंने उबाल के इस तरह हाफ कप बना ली है। पानी ज़रूरत पड़ेगा तो हम यूज़ करेंगे। नारियल तेल ली है, आपके पास होममेड नारियल तेल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाज़ार के किसी भी नारियल तेल लेंगे तो चलेगा। और दो नींबू हमने रखे हैं। पहले हम इस हिना को काट करके पूरा पैकेट हम ले ली हैं। आपके बाल लंबे हैं, ठीक है, तो आप इस आपके हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हिना मेहंदी में हम ये चाय उबाले हुए पानी हम ले लेंगे। आप देखेंगे तो पानी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके पानी हम मिलाएंगे। ऐसे मिलाएंगे जैसे ये पैक हमारे बालों में अच्छी तरह लग जाए। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। विंटर के सीजन में हमारे बालों में ज़्यादातर डस्ट से डैंड्रफ होते हैं, ये नींबू डैंड्रफ से बचाएगा। हमने यहाँ पे दो नींबू लिए हैं, आप आपके हिसाब से देख के कम या ज़्यादा लेंगे। नींबू के बीज को हटा देंगे। देखिए नींबू निचोड़ने से ये इस तरह हो गया है। अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। इसके बाद हम ये छोटे चम्मच, चार छोटे चम्मच मैं इसमें नारियल तेल ऐड कर रही हूँ। देखिए हिना लगाने से बालों में बाल थोड़ा ड्राई हो जाता है, ये तेल इसमें मिलाने से बाल में थोड़ा मॉइस्चर आएगा और ड्राइनेस से भी हमको बचाएगा। जिसके बाल भी दो मुए हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। देखिए ये पेस्ट ऐसे बना है, जैसे हम बालों में लगाएंगे तो वो चिपक के लग जाएगा। इसको हम ओवरनाइट इस तरह छोड़ लेंगे।
सुबह नहाने के 1 घंटे पहले हम बालों में अच्छी तरह लगा लेंगे, उसके बाद हम नहा लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल वाटर से नहाने के वक्त हम बाल को अच्छी तरह हिना को धो लेंगे, उस समय हम शैम्पू नहीं करेंगे, अगले दिन शैम्पू करेंगे, नहीं तो हिना के जो नरिशमेंट के स्काल्प में ऊपर जो हमारा डैंड्रफ छोड़ने के लिए हम नींबू निचोड़े हैं, वो 1 दिन में थोड़ा अच्छी तरह भीग जाने देना, उसके बाद अगले दिन शैम्पू करेंगे तो थोड़ा काम आएगा। इसीलिए हमने इस तरह के ये होममेड पैक आपको देखे हैं, आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताना। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर उसे पसंद करेंगे। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।